दतिया जिले के थाना इंदरगढ़ के सामने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाकर प्रदर्शन के आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। उल्लेखनीय है कि बीती 3 फरवरी की रात 8 बजे के करीब मृतक अवधेश तिवारी इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उचिया के पास पुलिया पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसकी सोमवार को ग्वालियर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर इंदरगढ़ थाना के सामने जाम लगा दिया और आरोपी हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। दतिया SDOP सुमित अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। जलाएंगे जब ही तब हम हाथ में गिरदारी ले लें, हमको पता है कि नहीं होना है, बहुत बड़ा विरोध है सर। और ये खुला कैसे, क्या मांग थी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवधेश तिवारी ग्राम उचिया के रहने वाले हैं, थाना इंद्रगढ़ क्षेत्र के, इनकी डेथ हो गई थी 3 फरवरी 2021 को। इनके परिजनों का कहना है कि 3 फरवरी की रात्रि को नरेंद्र तिवारी, प्रमोद तिवारी, बंटी तिवारी, इनके तिवारी के द्वारा इनका एक्सीडेंट किया गया और जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। इसी कारण से ये आए थे और इन्होंने को समझाई दी गई थी, परंतु ये काफ़ी देर तक जो है चक्का जाम करने का प्रयास किया। हमारे सभी अधिकारी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के बातचीत चर्चा के बाद ये तय हुआ, चूँकि घटना एक्सीडेंट के कारण हुई है तो पहले ये 302 की FIR के लिए चक्का जाम कर रहे थे, बट इनको समझाइश दी गई है तो इसमें हम 304 की अपराध अभिगत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।